गाइस हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन, जहां पे आज हम लोग लेकर आए हैं एक और कश्मीर का क्राफ्ट आपको दिखाने के लिए जम्मू कश्मीर की सीरीज में। तो गाइस यहां पे कश्मीर में कॉपर वेयर भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है, और हमने आपको लेह लद्दाख में भी दिखाया था कि कॉपर वेयर किस तरीके से हैंडमेड तरीके से बनाया जाता है। तो सेम वैसे ही यहाँ पर कॉपर वेयर की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, और यहाँ पर कॉपर वेयर का काम बहुत ज़ोरों शोरों से चलता है, और लोगों के ट्रेडिशन में शादियों में कॉपर के यूटेंसिल्स को यूज़ करना इज वन ऑफ दोस कल्चर। तो दोस्तों हमारे साथ हैं मंजूर जी। मंजूर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कल्चर बॉक्स में कि आप हमारे सामने, और साथ ही हमारे व्यूअर्स को आज आप बता रहे हैं कि कॉपर वेयर किस तरीके से ट्रेडिशनली हैंडमेड तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप अपना पूरा नाम बताइए, और आप कितने साल से इस क्राफ्ट में, और इस जगह का, इस वर्कशॉप का नाम। एक्चुअली इसका वर्कशॉप का नाम है जरगर कॉपर हाउस। मेरा नाम है मंजूर अहमद जरगर, सन ऑफ लेट हबीब अल्लाह जरगर, रेजिडेंट ऑफ हजारी बाजार रहनावारी। और आप कितने साल से काम कर रहे हैं? ये 20 साल हो गए। और आपका ये फैमिली जनरेशन से काम चला? हाँ, ये हमारा फादर भी यही काम करते हैं। अच्छा, करते थे, हम एक्चुअली यही काम करते थे। सर है वो हमारे को इस सारे के सारे प्रोसेस से हमारे को रूबरू करवाएंगे, तो फिर अभी हम पूछते हैं सर से कि सर सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कॉपर वेयर के प्रोडक्ट्स बनाने में। जी सर, ये प्योर कॉपर आता है, हैंडलूम सर्कल सर्कल्स आते हैं पहले कंपनी से, एक फैक्ट्री से, बाद में हम उसको करते हैं यहाँ ड्राइंग, मतलब 6 इंस्टॉलमेंट में है, 6 का ऐसे बनता है। इसको कहते हैं ड्राई फ्रूट बाउल, इसमें ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। ठीक है, पहले तो हम इसको ड्राइंग करते हैं ऐसे, हैंडमेड हाथ से बनाते हैं, कोई मशीन इसमें यूज़ नहीं होती है, ऐसे हम ड्राइंग करते हैं इसमें। अब मैंने इसको हैमरिंग की है, अब ये तैयार हो गया है, अब ये जाएगा बाद में कढ़ाई वाली के पास जो नक्काशी करता है इसमें। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे बनेगा। ठीक है, इसमें कटिंग हो जाएगी, जो इसका वो दूसरा पार्ट है ये प्लेन होता है, इसमें वो साइड में भी ऐसे बनता है, मतलब पोर्शन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया तैयार ड्राई फ्रूट। अच्छा, तो ये ड्राई फ्रूट रखने के काम, ड्राई फ्रूट क्या बात है। तो ये कढ़ाई वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ पर होता है? ये यहाँ पर नहीं होता है, वो दूसरी जगह पे होता है। अच्छा, और ये कढ़ाई करने में कितना टाइम लग जाता होगा? इसमें एक ही दिन लगता है, पूरा एक दिन, पूरा एक दिन लगता है। और ये डिजाइन्स कौन लेगा कर बताता है? ये मैं खुद ही उसको डिजाइन देता हूँ, अपने हाथ से बना के दूंगा, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ ऐसे। क्या बात है, तो मतलब डिजाइन सारे के सारे आपके एक्सक्लूसिव होते हैं। राइट, कढ़ाई के बाद ये आता है, उसमें वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग के बाद हम और भी प्रोसेस दिखाएंगे इसमें कैसी फिनिश आ जाती है और क्या बनता है। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको कॉपर की वेल्डिंग करते हैं, हम दिखाएंगे हम टांग कैसे लगाते हैं इसमें। ये हमने टांग लगाई है, अब इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं, बाद में इसको हम देखेंगे क्या प्रोसेस होगा इसमें। अब हम इसको ग्राइंडर से घिसेंगे, इसमें एक फिनिशिंग आएंगी पहले ही। ठीक है, और जो टेढ़े मेढ़ा होगा वो ठीक हो जाएगा, और बाद में इसको फिनिशिंग होगी, वो भी हम दिखाएंगे आपको फिनिशिंग कैसे होगी होती है इसमें।
जिसमें ये साफे जो है ना ब्लैक वाला दाग है इसमें जाएगा। हमने इसको केमिकल में डाला है, इस केमिकल को हम कश्मीरी में कहते हैं तेजाब। ये तेजाब है, इसको एक दो सेकंड इसमें रखना है क्योंकि जो काला पानी ये उठेगा इसमें। तो अंकल आप तेजाब में हाथ डाल रहे हैं उससे कुछ जलने का नहीं, इसमें पानी मिक्स हो जाता है ना, पानी से ये कमजोर हो जाता है। कॉपर के लिए ताकत ठीक रहता है लेकिन हाथ के लिए मतलब इसमें जो फोर्स है वो कम हो जाती है। अगर ये तो इसमें पानी मिक्स हुआ मिलाया हुआ है। अब ये पानी है, इसमें पानी में डाल दिया। ये रहा वो फाइनल प्रोडक्ट जो बन के भी रेडी हो चुका है। थोड़ा सा और इसमें अंकल फिनिशिंग आएगी, और आएगी लेकिन इसमें टाइम लगेगा, और आएगी इसमें। अच्छा, तो इसमें और फिनिशिंग आएगी लेकिन हम इसका जो बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट है जो मार्केट में जाने वाला है वो प्रोडक्ट देखते हैं और साथ में कुछ और प्रोडक्ट्स भी देखते हैं जो अंकल हमें बताएंगे। ये प्रोडक्ट आता है, इसमें हम कश्मीरी लोग खाना खाते हैं, ठीक है। अब इसको फाइनल फिनिशिंग आएगी और मार्केट में जाएगा, इसमें फाइनल फिनिशिंग आएगी जिसमें हम कहते हैं वो अब ये डायरेक्ट जाएगा मार्केट। इसके बाद ये जो है इसको हम कश्मीरी कहते हैं थाल, इसमें हम खाना खाते हैं। ये तैयार हो गया है, इसमें फिनिशिंग हो गई अंदर से, ये मार्केट में जाने के लिए तैयार है, ठीक है। और ये जो दूसरा प्रोडक्ट है इसको हम कश्मीरी में कहते हैं दीचवारी, इसमें सालन पकाते हैं, इसमें सालन हम पकाते हैं। और ये तीसरा है, इसमें हम लेडीज़ खाते हैं, कश्मीरी लेडीज़ इसमें खाते हैं, इसमें जेंट्स खाते हैं, इसमें लेडीज़ खाते हैं, इसको कहते हैं कश्मीरी में किल्स, राइट। और ये जो तरामी है ये शादी में लगते हैं, चार बंदे इसमें खाना खाते हैं इकट्ठे, ठीक है। इसमें इसको कहते हैं तरामी, ये भी तैयार है, अब फिनिशिंग विनिशिंग करके ये भी तैयार है। तो आप मंजूर जी मुझको ये बताइए कि जैसे कि अभी आपने पूरा प्रोसेस दिखाया कि किस तरीके से ये कॉपरवेयर के ड्राई फ्रूट्स बॉक्स बनते हैं, तो फिर आप मुझको ज़रा ये बताइए कि अगर एज अ कंज्यूमर मैं हूँ मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई भी यूटेंसिल या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है वो हैंडमेड है या मशीन मेड है। हैंडमेड तो खुद ही पता चलेगा, इसमें हैंडमेड कोड है और मशीन मेड क्या है, ठीक है। जिस तरह हमने इसको हथौड़े से लगाया है, ये जो है ना ये बीटिंग करिए, इसमें ये तो हैंडमेड दूर से नज़र से लगता है। वो मशीन मेड जो है वो प्लेन हो जाता है, प्लेन होता है इसमें, ठीक है, बिल्कुल फाइन हो जाता है, बिल्कुल फाइन हो जाता है। ये भी फाइन हो जाता है, इसमें भी फाइन है, लेकिन इसको अंदर से दिखता है ये हथौड़े का। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर क्लोज अप व्यू में कि यहाँ पर सारे हैमरिंग के निशान नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बीटिंग के निशान नज़र आ रहे हैं। तो यही एक सबसे बड़ा यहाँ पर एक प्रूफ होता है कि ये हैंडमेड है, ये मशीन मेड है। हाँ, अगर ये फाइन ट्यून करना चाहें और ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ ऊपर से पता नहीं चलेगी, अंदर से पता चलेगी। सो यू ऑलवेज नीड टू चेक अबाउट दैट कि आप हमेशा जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको एक बार चेक कर लें अच्छे से कि वो हैंडमेड है कि मशीन मेड है। तो मंजूर जी आप मुझे ये बताइए कि आप कॉपरवेयर में इतने सालों से काम कर रहे हैं लेकिन क्या क्या चैलेंजेस प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है और आप गवर्नमेंट से ऐसी क्या हेल्प चाहते हैं। गवर्नमेंट तो जब से हम कार आज तक 20 साल हो गए हमें काम करते, लेकिन गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं करती है हमें, क्योंकि हमें मार्केटिंग भी खुद करना पड़ता है, हमें खुद रॉ मटेरियल भी यहाँ लाना पड़ता है, लेकिन एक्सपोर्ट मतलब जो हम कर रहे हैं वो भी नहीं हो सकता है। हम इतने प्रोडक्ट बनाते हैं कि हमें खुद मार्केटिंग करनी पड़ती है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें हम कारीगर को हेल्प करना चाहिए, सपोज़ फाइनेंस में या और किसी में। यहाँ जो प्रोडक्ट हैं बहुत प्रोडक्ट हमें तैयार हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट लाइसेंस भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, हमें खुद मार्केटिंग करना पड़ता है। तो गाइस मतलब ये एक बहुत अच्छा मैसेज है गवर्नमेंट के लिए कि इनको
इनके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को भी देखना चाहिए और इनको वो लाइसेंस प्रोवाइड करना चाहिए या वो हेल्प प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि इनकी मार्केटिंग और स्ट्रांग हो पाए, बिकॉज कॉपरवेयर इज़ वन ऑफ द कोर ट्रेडिशन ऑफ कश्मीर एंड इसका मार्केटिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये लोकल नहीं बल्कि ऑल ओवर द इंडिया और ऑल ओवर द ग्लोब पहुँचना चाहिए, बिकॉज एज ऑफ मैं जो देख रही हूँ अपने आँखों से, आई रेड ओंट नो कि कैमरा कितना अच्छा कैप्चर कर पा रहा होगा, बट दे आर डूइंग द फैबुलस वर्क। तो आई लिटरली रिक्वेस्ट गवर्नमेंट टू हेल्प देम इन एनी एवरी बेस्ट पॉसिबल वे। सो इसी के साथ गाइस हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं एंड अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए आर्टिस्ट और एक नई स्टोरी दिखाएंगे। एंड आर स्पेशल थैंक गोज टू डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट जम्मू एंड कश्मीर और ऑल दोस मेंबर हु आर एक्चुअली हेल्पिंग अस एंड द बैक ऑफ द कैमरा टू रीच आउट टू दिस आर्टिसंस, बिकॉज अगर शायद वो नहीं होते तो फिर शायद वो थोड़ा हमारे को इन आर्टिसंस तक रीच आउट करने थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। अगर आप भी यहाँ पर इन कॉपरवेयर आर्टिसंस को रीच आउट करना चाहते हैं तो इनका प्रॉपर कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में या अभी वीडियो पे ही फ्लैश हो रहा होगा, तो जरूर जाके इनको रीच आउट करिए और डेफिनेटली ट्राई करिए कि आप आर्टिसन से ही चीज़ें बाय करें। एंड इवन गाइज अगर आपको लेह लद्दाख का भी कॉपरवेयर देखना है तो फिर हमारे लेह लद्दाख की सीरीज पे भी आप वो कॉपरवेयर का ब्लॉग देख सकते हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या भी आई बटन में भी आप देख सकते हैं। तो गाइस हमारा एक और न्यू चैनल है लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड्स, जहाँ पे हम किड्स एजुकेशन काउंसलिंग की बात करते हैं। तो इफ़ यू रियली वांटेड टू सपोर्ट द चैनल देन उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। और अगर आपको ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा और आपको ये इस पूरे कॉपर वेयर का स्टोरी पसंद आया होगा, देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तब तक बाय बाय, बी सेफ एंड नमस्कार। ये हमारी कार और ये डायरेक्टली डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट की तरफ से आई है, तो फिर ये हमारे को हर एक आर्टिस्ट तक लेके जा रहे हैं। सो स्पेशल थैंक टू डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट for that.